शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तब मैंने बताया था कि बाबा ने साकार में केवल दो को ही एकानामी का अवतार दिया था नाम। आप लोग नहीं जानते हैं, कानपुर में शुरू दो भाई थे अंबाला के, गोरख भाई और खन्ना भाई। विजय भाई जानते, अशोक भाई जानते हैं। तीसरा यहाँ कानपुर में कोई जानने वाला नहीं, अब मैं जानती हूँ। तो गोरमुख और खन्ना जब लोगों से रिटायर हुए और यहीं कृष्णा नगर में रहते थे, तब वो जंगल था कृष्णा नगर एक प्रकार का, और एक हरी राम भाई थे, वो लोगों में कंपाउंडर थे हॉस्पिटल के। तो जब वो दोनों रिटायर हुए तो बाबा को कहा, बाबा मेरे ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे छुट्टी दे दी है कि आश्रम में रहो। तो चूंकि वो लोगों के थे तो कहा, बाबा हमको मालूम है कि रेलवे कोयला कैसे मंगाता है। तब इंजन में कोयला ही झोंका जाता था, कोयले से ही इंजन गर्म होता था, कोयला पानी से चलता था। तो झरिया जाते थे सिंदरी बिहार धनबाद, और वहाँ से कोयले की बोगियाँ भरवाते थे, और भरा के फिर आबू आती। तो जब आबू रोड पर वो आती थी मालगाड़ी कोयला भर के, तो आबू रोड पे तो रेलवे वाले क्या करते थे, एक रेलवे का रिटायर अधिकारी, और क्या करते थे बताओ, क्या करते थे, कोयला ढोते थे बस, नहीं, लोहे का तसला लेते और सीख वाली नारियल की झाड़ू लेते थे, सारी बोगी में झाड़ू लगाते थे। तो जो कोयले की राख जड़ी होती थी ना, वो तसला भर और वो बोरियों में भर भर के पीठ पे लाद के बाहर लाते थे। कुली के लिए पैसा नहीं था, पल्लेदारी करते थे, उसके बाद फिर ऊपर आता था, और रोडवेज की बस के ऊपर चढ़वाते थे, और बस स्टैंड उतरा के अपनी बैलगाड़ी होती थी, विश्वरतन दादा बोरियां बैलगाड़ी पे लाते थे, और उसको गोबर में मिला के उसका लड्डू बनता था गोला, और जब कोयला ठंडा होता था कम होता तो वही गोबर का लड्डू भरा जाता था। जिन्होंने अंगीठी जलाई उनको पता है, उसी धीमी आंच में शाम की सब्जी बन जाती थी। तो है ना, खन्ना और गुरमुख, गुरदास नाम था, ये एका नामी के अवतार हैं। अब समझ लिया, कंजूस नहीं, कंजूस वाले को इकोनॉमिक नहीं कहेंगे, जो इतना किफायत से करे, बचा के करे और सफल करे। तो आज बाबा ने वो शब्द बोला है कि जो तुम्हारे संकल्प हैं, संकल्पों के खजाने के क्या बनो, एकानामी के अवतार बनो, ना संकल्प भी व्यर्थ ना जाए।